एक महीने पहले ऑलमोस्ट, मतलब मेरी ब्रेक्स जो है साइकिल की पूरी वेयर आउट हो गई थी. तो आई मीन जस्ट लुक एट दिस, कैन यू, या ये पूरी वेयर आउट हो गई थी. तो आई कॉन्टेक्टेड अर्बन टेरेन का जो सर्विस सेंटर होता है, जो भी हेल्प सेंटर कस्टमर सपोर्ट, तो व्हाट्सएप पे दे सेंड मी द लिंक फॉर द रिप्लेसमेंट ब्रेक्स. आई मीन जस्ट लुक एट दिस, आई मीन आई टेक्स्ट दिस डम्बोज बिकॉज, क्योंकि मेरे को ये था कि मैं कुछ गलत ना ऑर्डर कर दूँ, और उन लोगों ने मेरे को अमेजोन का लिंक भेजा कि लाइक यार दिस इज़ द प्रोडक्ट, एक बार इसको देखो और फिर इसको देखो. आई मीन जस्ट लुक एट दिस हेड और टेल, एंड आई लुक एट दिस, ये कितना मोटा है. आई मीन डूड, एक काम नहीं ढंग से होता तुमसे, साइकिल बेच रहे हो साले. नाउ टू रिप्लेस दिस, अब आई मीन इसको आने में यहाँ पे एक महीना लगा, एक महीने से ज़्यादा लग गया है. अब मैं इसको रिटर्न नहीं कर सकता क्योंकि फिर 2 महीने लग जाएंगे ऑलमोस्ट. तो अब मैं इसको, ये जो साइड्स है इनको रब कर रहा हूँ. वेल लेट्स सी इफ आई अटेन द रिजल्ट्स. सो दिस वाज़ अ बिफोर पीस जो मेरे को पहले रिसीव हुआ था अमेजोन के थ्रू, ये काफ़ी ज़्यादा मोटा था. एंड दिस इज़ द आफ्टर, इसको मैंने पूरा रब कर दिया है टकोरे से. सी द डिफरेंस, एंड इफ यू विल सी हियर, जो ये पहले वाला है, आई मीन इट गोज़ इन, लेकिन ये इस वाले स्लॉट में फिट नहीं हो रहा है. सो फॉर दैट आफ्टर रबिंग दिस पीस, अगर हम इसको लगाए, इट फिट्स परफेक्टली. ओके नाउ स्पीकिंग फॉर द हार्ड पार्ट, ये जो जितने भी फोकस कर, तो ये जो जितने भी ब्रेक पैड्स है, डिस्क पैड्स, ये मैंने रब कर दिया है. सी एंड देन देयर इज दिस, दैट वन्स हॉट. ओके सो दिस हैव बीन रब्ड, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने इसको घुमा घुमा के थोड़ा गोल कर दिया है, ये मुझसे खुल नहीं रहा है. सो आई नीड टू टेक दिस अपार्ट, इसमें स्पेस काफ़ी कम है. तो जो अब इसके स्लॉट है, अब ये मेरे को थोड़े अनस्क्रू करना पड़ेगा टू मेक यू नो कर दी मैं लिटिल अपार्ट, क्योंकि इसमें जगह कम है. ये मैंने जो मेरी पुराने डिस्क पैड्स थे उसके अकॉर्डिंगली इनको फिट किया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा घिस चुके थे. तो नाउ आई नीड टू रन टू द मार्केट एंड बाई न्यू एलन कीज, सो दैट I can enjoy my cycle. In another news, I have a puncture tube that needs fixing. If you will look closely, ye wala kanta tha abhi jo kahan gaya, wo ye wala kanta tha jisne meri tube puncture ki hai. I mean just look at the sheer size of this thing, it's nothing and still damn. So this, now this is the brake pad for the front brake. Now the problem is that this tail bit, it's quite longer and it's not settling in properly with the front brake, so I need to shorten it now. So if you look here, I have shortened this pad. Aisa originally tha, originally to aisa chauda tha jaise ye sides maine rub kar diye, aur ye chota kar diya hai. Now we'll fit into this.
एंड नाउ इट्स इन बिना किसी प्रॉब्लम के। तो पहले जो प्रॉब्लम मैं फेस कर रहा था वो था जो नीचे वाले पैड का ये टेल था, ये इस चीज़ पे हिट कर रहा था और ये अच्छे से सेट नहीं हो रहा था। अब इसको काटने के बाद नाउ इट्स सेटिंग परफेक्टली एंड ब्रेक्स आर गुड टू गो। सो आई जस्ट फिक्स माई पंक्चर। तो काफ़ी दिनों के बाद आई विल पुटिंग माई साइकिल बैक टुगेदर। इट्स बिन अ वाइल, जब जैसे हमारी दूरी पड़ी है। बट या ऑल आई नीड टू डू इज रिकवर माई लंग्स नाउ एंड गेन अ लिटिल बिट ऑफ स्टैमिना एंड देन आई विल बी गुड टू गो इन द आउटडोर्स अगैन। मे बी समवेयर ओवर देयर और समवेयर समवेयर एनीवेयर। सो दैट वाज जस्ट अ लिटिल डेमोन्स्ट्रेशन दैट जब से मैंने ब्रेक चेंज किया तो जो मेरी ब्रेक की सिचुएशन है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गई है। आई मीन हाँ, मतलब इसको सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा सिरदर्दी करनी पड़ी मेरे को। मतलब इट वॉज लाइक ऑलमोस्ट मेरे को कस्टम फिट बनानी पड़ी वो जो भी सब काट फाट के। लेकिन इन द एंड द ब्रेक सिचुएशन इट्स क्वाइट नाइस एंड आई लाइक हाउ दीज आर परफॉर्मिंग। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। सो मिलते हैं दूसरी वीडियो में जिसमें मैं कहीं पर जा रहा हूँ मुँह उठा के। आई मीन मैं मुँह उठा के वापस आ रहा हूँ उसी वीडियो से। बट या यू विल सी इट इन अ डे और टू। धन्यवाद। साइनिंग आउट। पीस आउट। फक ऑफ।